नमस्कार दोस्तों, इंफोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दो सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कुछ न्यू पीएलआई स्कीम्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न्यू पीएलआई स्कीम्स के लिए ड्राफ्ट रेडी कर लिए गए हैं और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको और भी पीएलआई स्कीम्स लॉन्च होती हुई देखने को मिल सकती हैं। सो बिल्कुल दोस्तों, हमारे देश में ऑलमोस्ट 13-14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स को ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जिनका ओवरऑल फाइनेंशियल बजट 1.97 लाख करोड़ रुपीज का है। और दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज के लिए आज तक पीएलआई स्कीम अनाउंस नहीं की गई है, उनके द्वारा कंटिन्यूसली डिमांड की जा रही थी कि उनकी इंडस्ट्रीज के लिए भी पीएलआई स्कीम को अनाउंस किया जाए। इन्हीं के प्रपोजल को कंसीडर करते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया जाना है, जिसके द्वारा टारगेट किया जाएगा कि हमारे देश में इन दोनों सेक्टर से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो ग्रो होती देखने को मिले। और बेसिकली क्योंकि ये दोनों के दोनों सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो होगी होगी, साथ साथ लार्ज स्केल पर जो इंप्लॉयमेंट है वो भी जनरेट हो पाएगी। और हमारे देश की जितनी भी छोटी एंड बड़ी सिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये पॉलिसी डिज़ाइन की जा रही है, ताकि हमारे देश में छोटी सिटीज़ हैं उनको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। इनिशियल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इस पीएलआई का जो फाइनेंशियल आउटले होगा वो 2600 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। और एक बार जब इस पीएलआई स्कीम को अनाउंस कर दिया जाता है तो इन फ्यूचर आपको लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री में बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन ऑयल जैंड ONGC को लेकर, जहां पर दोस्तों इनके ऑपरेशंस को कार्बन फ्री बनाने के लिए ONGC के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 1 गीगावाट तक के रेन्यूबल एनर्जी प्लांट्स को सेटअप करेंगे। और इसको सेटअप करने के लिए ये राजस्थान स्टेट में 5000 एकड़ से लैंड को एक्वायर करने में लगे हुए हैं। सो बेसिकली दोस्तों, जो मेगा सोलर प्लांट्स होंगे ये एक तरह का सोलर पार्क ही होगा। और आज के समय ONGC के लिए मैंडेटरी भी है कि ये रेन्यूबल एनर्जी के ऊपर काम करें, क्योंकि एज ऑफ नाउ इनके पास जस्ट 153 मेगावाट की विंड पावर है और 31 मेगावाट की सोलर पावर है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए काफी कम है। बात करें 1 गीगावाट के सोलर ब्लेड्स के बारे में, तो इनको सेटअप करने के लिए इस कंपनी के द्वारा 5000 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और जैसे ही इनको राजस्थान स्टेट में इनके प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड अलॉट कर दी जाती है, तुरंत उसके बाद काम स्टार्ट होगा। अगले 3 सालों के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है एक न्यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे फॉरेन ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं वो स्टार्ट की जानी है। और अगले एक महीने के अंदर अंदर ये नेगोशिएशंस हमको स्टार्ट होती देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली दोस्तों, पिछले कुछ समय में देखा गया है कि UAE एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए गए हैं, और इसके चलते हमारा ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर एंड UAE, ये 6 मेंबर कंट्रीज़ हैं, अब इनके साथ में भी ट्रेड पैक साइन करने की बात की जा रही है। करंटली एज ऑफ नाउ इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर जितनी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो भी कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशन रेडी हो जाएंगी, जिसके बाद आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन स्टार्ट होती देखने को मिलेंगी। और वैसे उसमें आपको बता दूं कि अगर एक बार GCC कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया जाता है, तो ये हमारे देश के फॉरेन ट्रेड के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश के द्वारा इन कंट्रीज़ को $44 बिलियन के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए थे, जिसमें फूड आइटम्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पर्ल्स, मेटल्स, आयरन एंड स्टील्स, केमिकल, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इसके अलावा और भी कई तरह के प्रोडक्ट शामिल है। और क्योंकि ये रीजन मोस्टली एक इंपोर्ट डिपेंडेंट रीजन है, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गैप है जिसको भारत फिल कर सकता है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को लेकर, जहां पर दोस्तों IIT रुड़की में हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक न्यू रिसर्च सेंटर अप्रूव कर दिया गया है। और DRDO के द्वारा इसको सेटअप करने पर बहुत जल्द काम स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों IIT रुड़की, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि ये उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है, और यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर बनकर तैयार होगा इसको हमारे DRDO के द्वारा DRDO इंडस्ट्री एकेडमी या सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहा जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली हमारे डिफेंस सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट्स के ऊपर काम करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे DRDO के द्वारा सिमिलरली इसी तरह के 5 और रिसर्च सेंटर्स को हमारे देश के अलग अलग एरियाज में सेटअप किया जाना है। और इसको सेटअप करने के लिए IIT रुड़की के अलावा 5 और IITs के साथ में MOU साइन किए गए हैं। सबसे पहला सेंटर IIT रुड़की में बनकर तैयार होगा, और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो रिसर्च सेंटर में IIT रुड़की के फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, DRDO के साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री और दूसरी कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
पुणे सिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अनाउंस कर दिया गया है और 492 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करके इसको सेटअप किया जाएगा। तो सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर होगा ये पुणे के रंजन गांव में लोकेटेड होगा, जो ओवरऑल 297.11 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होगा। इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग, ई मोबिलिटी प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती हुई आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। एक बार जब इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया जाता है तो 32 मंथ्स के अंदर अंदर ये क्लस्टर डेवलप कर लिया जाएगा, जिसके थ्रू उम्मीद लगाई जा रही है कि इस क्लस्टर में 2000 करोड़ रुपीज़ तक की इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिलेगी, साथ साथ 5000 से ऊपर डायरेक्ट जो भी जनरेट हो पाएंगी। और उस वैसे मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र सेट के लिए काफ़ी बेहतर अपडेट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमें देखने को मिला है कि कैसे महाराष्ट्र सेट में वेदांता का सेमीकंडक्टर प्लांट, टाटा और एयरबस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र से गुजरात सेट में चले गए हैं। और अगर ये महाराष्ट्र सेट में आते तो महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास तक की इन्वेस्टमेंट होती हुई देखने को मिलती। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी महाराष्ट्र के लिए अनाउंस नहीं किया जाता तो ये महाराष्ट्र जैसी एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन की इमेज को काफ़ी बड़ा पुशबैक होता। पर फाइनली इसको एक पुश देते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को अप्रूव किया गया है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को लेकर, जहां पर दोस्तों इसरो के खुद के स्पेस स्टेशन के लिए इसरो के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करेंगे। और इसके लिए हमारे देश की जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं जो स्पेसिफिकली स्पेस रिलेटेड काम करती हैं, उनको इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल के डेवलपमेंट के लिए इन्वाइट किया है। सो बेसिकली दोस्तों ऐसा होना, जैसा कि आप जानती हैं कि सिर्फ 2 स्पेस स्टेशन ही ऑपरेशनल है, जिसमें एक तो 3-4 कंट्रीज के द्वारा मिलकर बनाया गया है जबकि एक चाइना का है। और इसरो भी चाहती है कि 2030 से 2035 के बीच में हमारे देश का खुद का एक स्पेस स्टेशन हो, और इसी के लिए एक न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल को डेवलप किया जा रहा है जो हैवी पेलोड्स को कैरी करेगा। इसरो कमर्शियल मिशन के लिए तो इस लॉन्च व्हीकल को यूज़ करेगी करेगी, और इन फ्यूचर हमारा जो स्पेस स्टेशन लॉन्च किया जाएगा वो भी इसी लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। एज ऑन दोस्तों हमारे इसरो के द्वारा डिजाइनिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। और अब हमारी जो इसरो ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया है, उसका मेन एम यही है कि हमारे देश की जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं वो भी ग्रो हो पाए, साथ साथ हमारी इसरो की जो कॉस्ट है जो इसको डेवलप करने पर आ रही है वो भी कम होती देखने को मिले। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है काकीनाडा सी पोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अरबिंदो रियल्टी लिमिटेड के द्वारा काकीनाडा में ग्रीनफील्ड सी पोर्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क फास्ट पेस पर डाल दिया गया है। अगले 20 महीने के अंदर अंदर ये सी पोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों काकीनाडा में बनने वाली जो न्यू सी पोर्ट होगी ये ओवरऑल 1725 एकड़ स्केल में फैली होगी। काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट की ये थर्ड सी पोर्ट होगी, क्योंकि इससे पहले 2 सी पोर्ट्स को यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप किया जा चुका है। थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँ तो ये सी पोर्ट 3000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में बनकर तैयार हो रही है, जो इन फ्यूचर बनने के बाद में कोल, ग्रेनाइट, फर्टिलाइजर्स और कुछ दूसरे तरह के रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो कार्गो हैं उनको हैंडल करेगी। फेज वन में इस पोर्ट की कैपेसिटी 16 मिलियन टन पर एनम की होगी, जहां पर 3 बर्थ्स अभी बनकर तैयार हो रहे हैं। वैसे तो इस पोर्ट की प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, पर इस पर काम स्टार्ट हो ही नहीं पाया था। और फाइनली जब अरबिंदो लिमिटेड को इसके लिए हायर किया गया या फिर उन्होंने इसको एक्वायर किया तो उन्हीं के द्वारा इसके डेवलपमेंट के ऊपर काम स्टार्ट किया गया है। काकीनाडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस पोर्ट के अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड और एक बल्क ड्रग पार्क भी बनकर तैयार होना है। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो में ट्रैवलिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ओवरऑल 19 मेट्रो स्टेशंस को चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के अंतर्गत आइडेंटिफाई किया गया है, और अब इनको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो चेन्नई मेट्रो के फेज 2 के अंतर्गत एक काफ़ी बड़ा मेट्रो नेटवर्क चेन्नई में बनकर तैयार होगा। ओवरऑल 3 कॉरिडोर्स को फेज 2 के अंतर्गत डेवलप किया जाना है, जिसकी कंबाइंड लेंथ 118.9 किलोमीटर की होगी, और इसमें टोटल 128 मेट्रो स्टेशन भी बनकर तैयार होने हैं। और अब इसी फेज में ओवरऑल 19 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स में कन्वर्ट किया जाएगा। थिरुवनमियूर, मंदावडी, माधावरम, अन्नानगर, ये कुछ ऐसे स्टेशन हैं जिनके नाम सामने लेकर कर आए हैं जिनको सबसे पहले मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स में कन्वर्ट किया जाना है। और अल्टीमेटली प्लान ये है कि इनको मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर मेट्रो के अलावा बसेस, ऑटो रिक्शास, रेलवेज, सबर्बन रेल, इस तरह की जो कनेक्टिविटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। करंटली दोस्तों जितने भी स्टेशन सेलेक्ट किए गए हैं इनके आसपास सर्वे किए जा रहे हैं कि कैसे जो दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं उनको इन स्टेशन के साथ में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो देखते हैं कि कब तक इनके ऊपर काम स्टार्ट हो पाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल हाईस्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत 100 किलोमीटर तक का जो पियर वर्क है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है, और अब इस प्रोजेक्ट का काम मोमेंटम गेन करता जा रहा है। दोस्तों करंटली मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है वो सिर्फ गुजरात स्टेट में ही हो रहा है, और टाइम टू टाइम मैं आपको इसकी अपडेट भी देता रहता हूँ, क्योंकि ये हमारे देश का फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्रोजेक्ट है। एज ऑफ नाउ नवसारी, वलसाड, भरूच, वडोदरा, खेड़ा, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ओवरऑल कंबाइन करके 100 किलोमीटर का जो पियर नेटवर्क है वो कंप्लीट हो पाया है या फिर पियर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो पाया है, और इसकी वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।